मंत्रिमंडल ने सब्सिडी के सिलेंडर का कोटा सालाना 9 से बढ़ाकर प्रति परिवार 12 सिलेंडर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने फरवरी से हर महीने प्रति परिवार सब्सिडी युक्त एक रसोई गैस का सिलेंडर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। आंध्र प्रदेश में पृथक तेलंगाना विधेयक को राज्य विधानसभा ने खारिज किया। मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी के प्रस्ताव पर सदन ने ध्वनिमत से लिया फैसला। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर फैसला लेने के लिए आंध्र प्रदेश विधानसभा की समय सीमा आज खत्म हो रही थी। तेलंगाना मसले के समाधान पर कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि इस मुद्दे पर संविधान के मुताबिक जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। रेणुका ने इस मुद्दे पर आम राय बनाने पर जोर तो दिया, लेकिन मुद्दे के समाधान के लिए कोई समय सीमा देने से इनकार किया। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में स्थिति है तनावपूर्ण, राज्य में हालात को काबू करने में कांग्रेस पार्टी रही नाकामयाब। कांग्रेस ने तेलंगाना के मामले में आंध्र प्रदेश विधानसभा के फैसले को नहीं दी ज्यादा तवज्जो। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि आंध्र प्रदेश विधानसभा के फैसले से तेलंगाना के गठन पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क। तेलुगुदेशम पार्टी ने कहा कि विधानसभा ने जो प्रस्ताव पास किया है उसका सम्मान किए जाने की जरूरत है। साथ ही टीडीपी ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि इसे संसद के पास नहीं भेजे। तृणमूल कांग्रेस ने अपने लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की। तृणमूल अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रैली को किया संबोधित। ममता बनर्जी ने कहा, तृणमूल कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और माकपा के खिलाफ लड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आयकर न भरने के मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ केस वापस लिए जाने की याचिका को खारिज किया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को जयललिता के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दी। जयललिता पर 1991 से 1994 तक आयकर न भरने का मामला दर्ज है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सिख समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। सिख समुदाय के लोग राहुल गांधी के उस बयान के बाद प्रदर्शन कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के कुछ लोग सिख विरोधी दंगों में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा सिंह को हटाने के मामले में दी सफाई। कहा, वो एक राजनीतिक दल की नेता है, उनकी जगह सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पा मैत्रेय का नाम इस पद के लिए सुझाया गया। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा सिंह ने सोमनाथ भारती मामले में आज दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की। बरखा सिंह ने कहा कि उन्होंने मामले की पूरी जानकारी उपराज्यपाल को दे दी है और उन्होंने उचित कार्रवाई किए जाने का दिया है भरोसा। शेयर बाजार में देखी गई गिरावट, सेंसेक्स आज 149 अंक की गिरावट के बाद 30,498 पर हुआ बंद। निफ्टी 47 अंक कमजोर होकर 6,074 पर हुआ बंद।